राजपिपला नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 और 6 विस्तार में बिजली, पानी और सफाई की ढेरों सुविधाओं का अभाव फैला है। राजपिपला नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 और 6 में समाविष्ट वैसे विस्तार में नगर पालिका की लापरवाह कामगिरी की बदौलत पानी, बिजली और सफाई कामगिरी की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण सुविधाओं का अभाव फैला है। सबका साथ सबका विकास की बात पर यहां पर ढेरों असुविधाएं फैली है। तो वहीं अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने के ये राजपिपला नगर पालिका के कहे जाते विकास कार्य पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां राजपिपला के वार्ड नंबर 5 और 6 में समाविष्ट वैसे अरब टेकरा, नवी नगरी, रबारी वार्ड सहित सिंधीवार जैसे विस्तारों में सफाई कामगिरी की ढेरों लापरवाही बरती जा रही है। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा और न ही लोगों को शाम के बाद बिजली की सुविधा मिल रही, जिसकी महिलाओं ने ढेरों बार वहीवटी तंत्र को शिकायतें की है, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का हल नहीं मिल पाया। अमारा एरिया में पानी नहीं आवतु। मारी 60 वर्ष की उम्र है, मने कमरों की तकलीफ है, तो पण मारे रोज सरकारी ओवरे कपड़ा धोवा जवू पड़ू छे। अमारा एरिया में पानी की समस्या बहुत छे। कितना समय थी पानी नहीं आवतु? हमें खासा टाइम थी पानी नहीं आवतु। मोटर मांडिए तो अभी पानी नहीं आवतु। तो तुम्हारी शू मांगणी छे? अमारा एरिया में पानी आवे। आपनो नाम? मारू नाम मरियम बीबी शेख। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये गंदगी, दूसरा पानी, दोनों का ही समस्या का कोई भी हल अभी तक नहीं आ रहा है। औरतें हम बहुत ही परेशान हैं पानी के लिए और ये गंदगी के लिए। इस बारिश के मौसम में, बारिश के बाद अगर ये यही गंदगी रही तो हमारे एरिया में कितनी बीमारियां आएगी आप इस सोच भी नहीं सकते। और बारिश गिरने के बाद यहाँ पर कितनी बदबू हो जाती है, और ना ही कोई वालने वाले आते हैं, ना ही कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, और ना ही कचरा लेने वाले रेगुलर आते हैं। हमारी सबसे बड़ी ये दो समस्या है। फिर दूसरी समस्या है स्ट्रीट लाइट्स की, के पीछे जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी हमने हमारे खर्चों से डलाई है, वो भी म्युनिसिपैलिटी वालों ने नहीं डाली। तो क्या इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी करे? इस एरिया में जैसे थे, जितने टाइम से जहाँ थे वहीं पर ही हैं। मैं ये एरिया को 20 साल से ऐसे ही देख रही हूँ, यहाँ पर अभी तक कोई भी म्युनिसिपैलिटी का कुछ भी काम नहीं हुआ। ये पाइप्स जो आप देख रहे हैं, जो कच्चा रास्ता है, वो ये लोग डाल के गए हैं, बस वही। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर कुछ भी काम नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई अभी तक में। और आप ये पीछे का देखिए, वो रास्ता है, अगर आपको दिखता है कि ये रास्ता है तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गंदगी है। कोई इंसान दिन को तो ठीक, रात को भी नहीं आ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने आगे भी इसके बारे में बताया था इनको, आगे भी अर्जी की थी, कहाँ कहाँ तक हमने प्रेस रिपोर्टिंग भी की थी, सब किया था, लेकिन इसका निकाल अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आप, मतलब में हमारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आपने इस जो आपकी समस्या इसको लेकर आपने कहाँ कहाँ पे रजूआत की है? हमने आगे भी, मतलब मैं म्युनिसिपैलिटीज में इसकी अर्जी की थी, बहुत कुछ हमने किया, हम औरतें भी सब मिलकर गई थी वहाँ पे, मटके फोड़े थे, लेकिन इसका अभी तक कोई भी निकाल नहीं आया है। जैसी पाइपें थी वैसी की वैसी है, और हर साल वेरा लेने के लिए वो कंप्लेंट आ जाते हैं, लेकिन इस बार हम सब औरतों ने मिलकर ये एक वो किया है कि अब ये अगर वेरा लेने आएंगे तो हम वेरा भी नहीं देंगे, क्योंकि ये मुस्लिम विस्तार है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। अच्छा, आपने आपके नगर सेवक को कुछ इसके लिए रजूआत की है? जी, बहुत बार की है, लेकिन हम, मैंने आगे भी बोला आपको कि हमने बहुत अर्जी की है, हम औरतें भी सब मिलकर कई बार गई हुई हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया था एक बार, वो खुद भी आए थे देखने, लेकिन जैसे जो एरिया में, जिस जिस हाल में वो एरिया है, इसी हाल में है।